मेरे प्यारे साथियों नमस्ते, ऐसे हैं आप लोग। मैं राम त्रिवल सर, आज आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्न है R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के कुल प्रतिरोध का भंजक व्युत्पन्न कीजिए और चित्र में बिंदु ये तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र है। अब ये आर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। ये जब हम लोग ओम के नियम को पढ़े थे तो ओम का नियम क्या था बेटा, कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक तार में धारा बहने लगती है और जो धारा होती है वो विभव के समानुपाती होती है। ये आपका ओम का नियम है, ओम का नियम। और बी प्रोपोर्शनल आई, ये ओम का नियम है। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे समानुपाती को तो I × R, ये जो R है ये प्रतिरोध इसे कहा जाता है। इसका मात्रक जो है ओमो का है, इसका मात्रक जो है ओमो का है और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ये ओम मात्रक है। अब ये होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार में धारा के प्रवाह को का विरोध करता है, मतलब धारा के प्रवाह को बाधित करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब संयोजन जो होता है, इसका दो प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो ई इस तरह होता है, इसको हम लोग प्रतिरोध का प्रतीक कहते हैं। और प्रतिरोधों को जब हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो आगे पीछे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये है R1, दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है R2, ये श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं, और तीसरा प्रतिरोध बेटा R3 है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, इनमें कुछ हम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। मान लो अगर इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा है, इसका ये पहला है, ये दूसरा है, इसका पहला है, ये दूसरा है, तो श्रेणी क्रम में हम आगे पीछे ऐसे पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, फिर अगले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार से इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में हो जाती है। अब श्रेणी क्रम में जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो जो इसमें करंट फ्लो होती है, इन रेसिस्टेंस में, इन प्रतिरोधों में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, सब में समान होती है, क्योंकि अब रास्ता मार्ग एक ही उपलब्ध है, तो फिर धारा जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी। बट इसका जो मतलब विभव होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो अलग अलग होगा। क्योंकि अगर B इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं I × R, अगर हमारी R सेम है शक्ति तब तो हमारी जो विभव है वो शक्ति सेम होगी, बट अगर R अलग अलग है तो हमारी विभव सेम नहीं होगी। इसके लिए इसका विभव V1, इसका विभव दूसरे प्रतिरोध का V2 है और तीसरे का जो है विभव वो V3 है। अब जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनपे धारा सेम होगी लेकिन विभव अलग अलग होगा। तो और ये बैटरी की वोल्टेज बी है, बी वोल्टेज के बैटरी से मतलब इसको एनर्जी दी गई है, ऊर्जा दी गई है, और यही ऊर्जा तीनों प्रतिरोधों पर बढ़ जाएगा समान रूप से। ठीक, ओके। अब क्या होगा, अगर हम लोग पढ़ा जाए V1, तो V1 इक्वल टू इस फार्मूले से हम लोग पढ़ेंगे VI × R। आई इसमें वही है जो मतलब सब में आई समान होगी, I × R हो जाएगा R1। ऐसे V2 इक्वल टू IR2 होगा बेटा, ऐसे V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल V कितना है, इन तीनों को अगर जोड़ लिया जाएगा तो टोटल V जो हमारा है वो है बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनके मानों को उठा के यहां से रख दो, V1 की जगह पे I1 × R1 प्लस I2 वही रहेगा बेटा, I2 प्लस I R3। आप ये देख रहे हैं हम लोग, ऐसे तीन चार पांच जितने भी हो n प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जा सकता है क्रमानुसार, अगर हम उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो अब I तीनों जगह पे है, अब I हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
आई हम कॉमन लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगर अब क्या किया जाए कि जैसे मान लो जो फुहार उन तीनों प्रतिरोधों को मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो मतलब रिजल्ट हमको मिल रहा था, अब एक ऐसे प्रतिरोध पर विचार किया जाए जो इन तीनों के स्थान पर अकेला लगा दिया जाए और उन्हें उसे विभव भी दिया जाए तो फिर और उसमें धारा आई पाई हो तो मतलब ऐसे कितना की जा सकती है, तब इनका विभव क्या होगा यदि तीनों के स्थान पे, यदि तीनों विभवों के स्थान पे वो तीनों प्रतिरोधों के स्थान पे स्थान पर आर प्रतिरोध लगा दिया जाए, इसको तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं, तब अब बेटा वोल्टेज तो नहीं देंगे तीनों की जगह पे, हम एक ऐसा प्रतिरोध यूज करेंगे जिसका जो रेसिस्टेंस है वो आर होगा, वोल्टेज वही होगी धारा वही होगी, तो बी इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन टू मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट व दूसरे अगर हम देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट व दूसरे मतलब एक व दो से अगर देखा जाए बेटा, यहां देखो बी एल एच एस मतलब इक्वल है तो आर एच एस भी बराबर होना चाहिए, या यूं कहें कि बी के जगह पे हम आई इंटू आर रख सकते हैं, तो आई इंटू आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई यहां मल्टीप्लेक्शन है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये बटा आई हो जाएगा बेटा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई पास आउट होगा बेटा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब जितने भी प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में जो टोटल तुल्य प्रतिरोध होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा सारे प्रतिरोधों का योग प्राप्त हो रहा है बेटा, सारे प्रतिरोधों का योग।